हेलो दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं वीवो वाई 17 जैसे डिवाइस के अंदर आप कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करेंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग से आप अपने इनकमिंग कॉल को किसी दूसरे नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ से अपने कॉल को रिसीव करके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी को बात कराना चाहते हैं या आप चाहते हैं जो हमारी कॉल है वो किसी दूसरे नंबर पे आए, वहाँ से हम रिसीव करके बात करें, तो ये चीज़ आप वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। तो इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, कैसे सेटिंग को इनेबल करेंगे, कैसे वहाँ पे नंबर ऐड करेंगे, ये सब चीज़ यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो चलिए अपने सेटिंग को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बताते हैं किस तरह से आपको अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग करना है। तो उसके लिए आपको अपने डायलर को ओपन करना है। तो हम अपने डायलर को यहाँ पर ओपन कर लिया। आप देख रहे हैं जो हमारा डायलर है यहाँ पर ओपन हो जाता है और ऊपर में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन है, तो आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटिंग आ जाते हैं और थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉलिंग अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिम टू का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है आप कौन से नंबर की कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं। जिस नंबर की आपको कॉल फॉरवर्डिंग करना है उस सिम को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे सिमोन को सेलेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं अपने सिमोन को हम लोग सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे कुछ सेटिंग आ जाता है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉल फॉरवर्डिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ सेटिंग यहाँ पे शो हो जाता है और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है ऑलवेज फॉरवर्ड, सभी कॉल को फॉरवर्ड करने के लिए आपको ये वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर नंबर टाइप कर लेना है, जिस नंबर पर आप अपने इनकमिंग कॉल को भेजना चाहते हैं उस नंबर को यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो हम जैसे यहाँ पे कुछ नंबर ऐड कर देते हैं इस तरह से, ये नंबर इस तरह से ऐड हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको टर्न ऑन कर देना है। जब आप टर्न ऑन कर देंगे जो आपकी इनकमिंग कॉल है आपके पास नहीं आएगी, दूसरे नंबर पे जाने लग जाएगी। अगर आप नंबर अपने सेव नंबर में से ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा लोगो आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और जो आपके सेव नंबर हैं यहाँ पर आ जाएंगे और आपको क्या करना है यहाँ से नंबर ऐड कर लेना है। तो हम यहाँ पे किसी एक नंबर को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो जैसे इस नंबर को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन आ रहा और इसको हम यहाँ पे टर्न ऑन करेंगे। जैसे यहाँ पे टर्न ऑन करेंगे ये थोड़ा सा अपडेटिंग करेगा और इसके बाद जो हमारी कॉल है वो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं जो हमारी इनकमिंग कॉल है यहाँ पे फॉरवर्ड हो चुका, हमारे पास कोई भी इनकमिंग कॉल नहीं आएगा। अब हमारा जो इनकमिंग कॉल है वो दूसरे नंबर पर जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत लोग कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कर लेते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होने लगता है, क्योंकि जो इनकमिंग कॉल है आपके पास नहीं आएगा, दूसरे के पास जाएगा, तो उसको बंद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको ऑन तो कर लेते हैं, बंद नहीं कर पाते हैं। तो बंद करने के लिए आपको इस सेटिंग को फिर से ओपन करना है और यहाँ पे ऑलवेज फॉरवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं टर्न ऑफ का ऑप्शन आएगा, आपको टर्न ऑफ कर देना है और ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।